बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में पीलीभीत हाईवे पर स्थित रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के बाहर दशकों पुरानी मजार को हटाने के नोटिस पर बुधवार को हंगामा खड़ा हो गया, जिसके विरोध में सैकड़ों की संख्या में आज सुबह समुदाय विशेष के लोग मौके पर एकजुट हुए और नारेबाजी करने लगे। वहीं मजार पहुंचे इत्यादि मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव ने प्रशासन के इस कदम का विरोध किया। दरअसल पीलीभीत हाईवे पर महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के गेट के पास दशकों पुरानी मदीना शाह की मजार है, जो समुदाय विशेष की आस्था का केंद्र है। लेकिन बरेली में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे विकास कार्यों के तहत तमाम सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिससे शहर में जाम से मुक्ति मिल सके। इसी के तहत पीलीभीत हाईवे को भी 6 लेन बनाया जाना है, जिसको चौड़ा करने के लिए जिला प्रशासन हाईवे के दोनों ओर अपनी जमीन से अतिक्रमण हटा रहा है, जिसमें विश्वविद्यालय के पास बनी मजार की चपेट में आ रही है, जिसे प्रशासन ने चिन्हांकन कर मजार कमेटी से उसे हटाने को कहा है, जिसका पता चलते हुए आज बड़ी संख्या में समुदाय विशेष के लोग मजार पर इकट्ठा होकर अपना विरोध जताते हुए नारेबाजी करने लगे। वहीं इसकी जानकारी मिलने के बाद इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस खान भी मदीना शाह की मजार पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन की इस कार्यवाही का विरोध किया। इस दौरान डॉक्टर नफीस खान ने कहा कि मजार को अपनी जगह से हटाया नहीं जा सकता और यह मजार 150 साल पुरानी है, जिससे सभी की आस्था जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि बरेली नगर पालिका की साल 1921 के नक्शे के आधार पर प्रशासन को सभी समुदाय के धार्मिक स्थलों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि मजार के पास रोड पर चौड़ा मोड़ बना दिया जाए, जिससे किसी तरह की आपत्ति भी नहीं होगी। वहीं इस विरोध के बीच मदीना शाह मजार कमेटी और आईएमसी के नेताओं ने रुहेलखंड चौकी पहुंचकर इस मामले को लेकर पुलिस से बातचीत की, जिस पर पुलिस ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस विषय पर सावन के बाद बैठकर कोई रास्ता निकाला जाएगा, जिससे कोई विवाद की स्थिति न बन सके। एक अनुरोध करना चाहते हैं कि ये बरेली शहर कायम हुआ है 1921 में, 1921 का नक्शा निकाल लिया है और 1921 के नक्शे के मुताबिक शहर में जो भी चीज उस वक्त मौजूद थी, तो बचपन से ये जो आप देख रहे हैं ये मजार शरीफ लगभग 100-150 साल पुराना मजार शरीफ है। कॉरपोरेशन मुस्लिम कम्युनिटी हर जगह पर किसी भी समाज के लिए या बरेली के विकास के लिए या प्रदेश के विकास के लिए हमेशा करती रही है और करती रहेगी। जब यहाँ पर हमारे यहाँ एक सिस्टम ये होता है कि मजार शरीफ और मस्जिद कहीं पर एडजस्ट नहीं की जा सकती, जब 150 साल से भी पहले से यहाँ पर ये मजार शरीफ है और इससे पहले आपके जो सरपरस्त से ये सब वो देख रहे थे, कई पीढ़ियां इनकी आकर गई हैं और यहाँ पर देखा है, बहुत सी जगहों पर आपने शहर में देखा है। ये तासुब की बुनियाद नहीं है तो क्या है? आप जाओगे सिटी सब्जी मंडी के सामने एक मंदिर है और मंदिर ना हटाने की वजह से वहाँ पर एक कर्व मोड़ दिया गया है। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे वहाँ पर उस कर्व मोड़ की तरह यहाँ पर भी कोई ऐसी सिचुएशन अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि ये सिस्टम चला जाए और हिंदू मुस्लिम सौहार्द बना रहे। स्पेस यहाँ पर है मौजूद और स्पेस है, ऐसा नहीं दोनों तरफ है, दोनों तरफ है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में वो किस जगह से आप अधिकारियों से बात करी जाए। हम लोग सभी लोग सैयद साहब भी सभी लोग कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं, हर तरीके से कोऑपरेशन करें, लेकिन ये कतई इस बात को नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा कि यहाँ से मजार शरीफ हटाया जाए।